आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? यस। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? मणिपुर से। मेघालय से। आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सर, कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना मिस्टर सहगल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉलिसिटिंग? दिस इज अ लाई, आई डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड्रिया, यू डोंट हैव टू जवाब देना, जरूरी नहीं है। सर, आई वर्क एट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आई एम बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड। तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्यों गई थी? टॉयलेट करने गई थी। तो काफी देर रुकी भी थी आप उस रूम में? Yes, but he. I don't want an explanation, ma'am. I just want an answer, clear cut answer. Yes, I was there for some time. You were there. तो जिस रूम में आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए गईं, उस रूम का दरवाजा किसने बंद किया? I don't remember. नहीं, आपने बंद की। होटल के सिक्योरिटी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें साफ फुटेज है। पहले डंपी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा क्लोज करती हैं। Then maybe I did. That's all, Your Honor. I would like to cross question. So, Andrea, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, मेघालय, मेघा, क्लाउड्स, माउंटेन्स, ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड फुटबॉल. हाउ इज दिस रेलेवेंट दीप्ति जी? आई थॉट इट इज. मुकेश कुमार से नहीं पूछा कि क्या वो राजस्थान से हैं. सरला प्रेमचंद जी से नहीं पूछा कि वो हरियाणा से क्यों हैं. डॉक्टर से नहीं पूछा, रमाकांत विजय से नहीं पूछा. सो आई थॉट कि प्रशांत जी अगर अंद्रिया से पूछ रहे हैं तो दे मे बी सम रेलेवेंस. सो आई फील एज अ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल आई एम बीइंग हैरस्ड मोर देन द एवरेज इंडियन गर्ल ऑन द स्ट्रीट. सो अंद्रिया, व्हाट वाज द रीजन कि आप उस कमरे में गईं? राजवीर सेड द फ्लश वाजंट वर्किंग, ही टोल्ड मी टू गो टू द अदर रूम. चेक किया था आपने? नहीं, बट राजवीर का रूम था. ही टोल्ड मी टू गो टू द अदर रूम. व्हाट कुड आई हैव डन? आप अकेले क्यों नहीं गई? राजवीर सेड दैट द रूम वाज लॉक्ड. ही टोल्ड डंपी टू ओपन इट फॉर मी एंड ही जस्ट फॉलोड मी टू द अदर रूम. व्हाई डिड यू शट द डोर एंड नॉट हिम? सोचा नहीं क्लियरली. आई वाज इन अ रश. ही वाज टर्निंग ऑन द लाइट्स. इट वाज इंस्टिंक्टिव. फेयर इनफ, फेयर इनफ. फिर आप वहां रुक क्यों गईं? क्या किया आपने? Answer me. The court wants to know. First, I used the toilet. Then, when I came out of the toilet, he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out. And then I heard him laughing in the room. Then, वो मुझे touch करने लगा. He pushed me to the bed, and he started touching my. He touched my. That's all, Your Honor. प्रशांत जी, इट सीम्स क्वाइट क्लियर कि अंड्रिया उस रूम में क्यों गई और इतनी देर क्यों रुकी, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट आई डू गेट योर पॉइंट एंड योर पॉइंट लीड्स मी टू द मेकिंग ऑफ ए गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए. किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो विलिंगली वहाँ पर आई है और उन्हें उसे टच करने या छूने का लाइसेंस इश्यू कर दिया गया है. रूल नंबर वन. लेट्स नॉट मोरलाइज द इश्यू मिस्टर सहगल, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स. सर, मैं अब रौनक आनंद उर्फ डंपी को बुलाना चाहूँगा. रौनक आनंद, आप आइए. डंपी आनंद, आप उस रात आंड्रे के साथ दूसरे कमरे में गए? ठीक है. तो होटल के लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके हिसाब से काफी देर तक अंदर थे आप दोनों. जी था. इतनी देर तक आप दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर, सर ऐसी बातें मैं ओपनली कैसे बता दूं? आप गेस कर लीजिए. ही इज लाइंग. आप चुप रहिए. सर, शी टोल्ड मी कि मीनल राजवीर से पैसों की बात कर लेगी. मैं काफी घबरा गया था सर, बिकॉज शी स्टार्टेड किसिंग मी और मेरे शर्ट के बटन खोलने लग गई. मैंने इन्हें रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की. हाँ, डंपी आनंद, कोर्ट ये क्यों मान ले कि आपने उस वक्त रेसिस्ट किया? आफ्टर ऑल यू लुक लाइक अ फेयरली हैंडसम एंड यंग हेल्दी मैन एंड एंड्रिया इज अ वेरी प्रिटी गर्ल.
हसीन खूबसूरत लड़की के साथ में आप एक कमरे में बंद थे और आपने कुछ भी नहीं किया, रेसिस्ट किया अपने आप को, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। सर बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम कमिटेड टू हर एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली सर। आई ऑब्जेक्ट टू व्हाट टू दिस ऑकवर्ड परफॉर्मेंस, ही इज ओवर एक्टिंग। सर ये बकवास कर रहा है, ही वाज फ्लर्टिंग विद हर होल नाइट एंड शी वाज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर हिम। अब मैं इन्हीं को accused Falak Ali ko bulana chahunga, I think she has a lot to say. To apne ghar mein kamane wali sirf aap hain ji? Aapke bhai ki ilaaj mein to kafi kharch wagera hota hoga, matlab he is a special child ji. Ab salary kitni hai aapki? 40,000 aur hand mein kitne milte hain? 30,000 kuch loans wagera ji? पर्सनल लोन है और एक होम डेवलपमेंट लोन। होम डेवलपमेंट लोन तो पैसे की तो बहुत जरूरत रहती होगी आपको। रहती है मगर और कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नेचुरली मैं ये खाली पूछना चाह रहा था कि आपको पैसे की जरूरत रहती है और ये बतलाना चाह रहा था कि कहीं से आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। अब ये मैं क्यों पूछ और कह रहा हूँ या ना, इसके लिए मैं राजवीर सिंह को बुलाना चाहता हूँ। राजवीर सिंह आप आइए। उस दिन क्या हुआ था या उस रात को क्या हुआ था कोर्ट को बताइए सर। वेल यू हैड अ रॉक शो एंड ऑब्जेक्शन। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आप? वी ऑल नो राजवीर सिंह की आपकी इनिशियल स्कूलिंग एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में हुई, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और आपने वो न परस्यू करके इकोनॉमिक्स करना चाहा। पहले तो आप यही यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर उसके बाद आप किंग्स कॉलेज लंदन गए इकोनॉमिक्स पढ़ने। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बट कैन यू रिमूव योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट? श्योर। अच्छा फिर सर इन्होंने हमें एक रॉक शो में देखा, फिर खूब घुल मिल के हंस हंस के बातें की। आपको उस वक्त शक नहीं हुआ कि बिना किसी जान पहचान के ये इतना खुल के कैसे बातें करें? सर रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ, लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं। हाँ। लेकिन रिजॉर्ट में साफ यकीन हो गया जब इन्होंने हिंट्स दिए। हिंट्स? क्या हिंट्स? यही कि चलो अलग अलग चलते हैं, यू कैन गिव अस समथिंग एंड वी कैन ऑल हैव अ गुड टाइम। ना लेकिन फिर भी क्लियरली कुछ नहीं कहा। नहीं सर, पर जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की। क्या बात? यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते। मैं समझा नहीं, जरा खुल के बताइए। सर थोड़ा शक तो तब हुआ जब ये हमें अलग अलग ले जाए और आप घबरा गए इसके बाद में और आपने ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी आपने इन्हें स्टैंड में क्यों बुलाया है, आप खुद ही बोल दीजिए ना। प्रशांत जी प्लीज डोंट लीड द विटनेस। सर रिजॉर्ट में मीनल ने मेरे लिए एक ड्रिंक बनाया, फिर मुझे टच करने लगी। मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली आई वेंट विद द फ्लो, लेकिन फिर इसने मुझसे पैसे मांगे एंड आई वाज शॉक्ड। मैं घबरा गया कि लड़कियां गलत हैं। मैंने इनको जाने के लिए बोला, मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, राइट? लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और पैसे देने के लिए आप तभी नहीं माने? नहीं सर। फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा, इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई नीड टू क्वेश्चन राजवीर सिंह, आपने अभी कहा कि उसने कुछ हिंट्स दिए आपको, कैसे हिंट्स दिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी, स्माइल वाइल दे रही थी, टच कर रही थी हाथ से बात करते वक्त। ओ, आपकी बात खत्म हो गई? जी। आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे। सो बेसिकली दैट बिकम्स द मेकिंग ऑफ रूल नंबर 2 ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा हंसी को। हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है, मेरी सोसाइटी के बहुत लोगों ने देखा है, लड़के तो आते हैं इनके यहाँ कभी कभी। गुप्ता जी, रात को ये जो लड़के आते हैं, जो कभी कभी घर आते हैं इनके, क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं? दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। साहब तो क्या करते हैं ये अंदर? आपने कभी इनकी बालकनी पे चढ़ के नहीं देखा? मैं
ऐसे किसी के घर में कैसे झांक सकता हूँ? तो आपने कभी इन लड़कियों को, इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा? नहीं मगर। नहीं मैं, मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी। योर ऑनर, हमारी सोसाइटी के मिस्टर सिन्हा और मिस्टर गुप्ता, दे आर मियरली प्रिज्यूमिंग थिंग्स, बट दे मेक एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। लड़कियाँ लेट आती हैं, हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। रात को लड़कियाँ जब सड़क पर जाती हैं अकेले तो गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता, नेवर। आपका अपना घर है दिल्ली? जी। कहाँ? करोल बाग में। करोल बाग में, तो वहाँ तो आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको छोड़ के इन लड़कियों के साथ में अलग एक रूम में क्यों रहनी थी? सर मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमन हूँ, मेरा डांस शोज कभी कभी लेट ख़त्म होते थे और जब तक मैं घर नहीं पहुँचती थी मेरे पेरेंट्स जागे रहते थे, उनको तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो, ये आपका आइडिया था कि आप वो काम वहाँ नहीं कर सकती जो कि आप यहाँ करती? सैकड़ों इंडिपेंडेंट लड़कियाँ, लेट नाइट शिफ्ट में काम करने लड़कियाँ आज भी अपने घर में आराम से रहती, आप पैसे चुनती?